नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। और मैं आज आपको किसी से मिलवाना चाहता हूं। और सच बोलूं तो इस तरह के लोग ही हैं जो मुझे जिंदा रखे हुए हैं। और अगर मैं आज अपने आप को चेंज कर पाया हूं और इतना खुश रहता हूं, तो उसके पीछे ये जो भाई साहब बैठे हुए ना, ऐसे लोग हैं। मैं सच बता रहा हूं, ये भाई साहब ने मुझे दिखाने आना था। इन्होंने बोला सर मैं आ रहा हूँ वल्लभगढ़ कहाँ से है, फरीदाबाद से आगे कितने किलोमीटर होगा, 40 किलोमीटर तो होगा, 40 किलोमीटर है या उससे भी ज्यादा है, 40-50 किलोमीटर दूर वल्लभगढ़ है। इन्होंने सुबह फोन किया कि मैं आ रहा हूँ, और उसके बाद हमारा क्लिनिक करीब 1-1.30 बजे तक होता है, तो मैक्सिमम 1:30 बजे तक रुकते हैं। तो मुझे लगा कि 1:30 बज गया, मैं भी भूल गया, सच बताऊं तो मैं भूल गया, इतने पेशेंट थे और ये आए भी नहीं उसके बाद। और मैं करीब 2 बजे के आसपास निकला हूँ, मैक्सिमम हम 2 बजे तक रुकते हैं, उसके बाद नहीं रुकते। 2 बजे के आसपास मैं निकल गया, मेरे निकलने करीब मतलब मैं शायद 1:45 निकला हूँगा, तो 15-20 मिनट बाद इनका फोन आ गया कि सर आप कहाँ हो। मैंने कहा यार मैं तो बताओ आप कौन हो। तो बोलते हैं जी सर मैं तो आपको दिखाने के लिए आया था और आप तो चले गए। मैंने कहा यार तुम्हें टाइम बताया तो था 1 बजे तक का, मैं 1 बजे तक मिलता हूँ। कहते सर मैं तो वल्लभगढ़ से आया हूँ। तो अब क्या होगा। मैंने कहा यार अब तो बंद हो गया क्लिनिक, स्टाफ भी चला गया, चाबियां भी लेकर, तो शाम को मिलूंगा विकासपुरी में। तो बोलते हैं कि सर कोई बात नहीं मैं शाम को मिल लूंगा। तो मैंने कहा मुझे लगा कि शायद इनका कोई रिश्तेदार रहता होगा आसपास, तो ये वहां चले जाएंगे। अब ये भाई साहब सुबह से वहीं धक्के घूम रहे हैं सड़कों पर ये, और बेचारे पढ़े लिखे नहीं है, तो मेरा क्लिनिक ढूंढने में भी इनके मतलब मुझे लगता है पसीने छूट गए। ये मेरे क्लिनिक के बाहर खड़े होके बेचारे को समझ नहीं आ रहा था कि यही क्लिनिक है। पूरा दिन तुम क्या करते रहे, थोड़ा आगे आके दिखाना इनको। वैसे घूमता रहता सर, रोड पे घूमता रहता, पूरा दिन रोड पे घूमते रहे, ऐसे घूमता ये पूरा दिन रोड पे घूमते रहे। क्यों आपसे मिलने के लिए? इस बंदे ने ना तो खाना खाया है ना इसने, मुझे लगता है कहता मैंने सेब खा लिया, और पूरा दिन ये सड़कों पे घूमते रहे, टाइम पास करते रहे, क्योंकि वल्लभगढ़ वापस कैसे जाएं, और इनको मेरे से मिलना चाहते थे। कैसे तुम मेरे से इतनी दूर से क्यों आए मिलने? आपकी वीडियो देखता हूँ। वीडियो देख के आए? इतना विश्वास है तुम्हारे पे आपसे? नहीं सर, वो कोरोना के टाइम से पहले से ही इतना विश्वास है, इतना विश्वास है। आज मेरा मन, सच बताऊं तो मेरा मन खराब वो हो गया थोड़ा सा, मैं बहुत इमोशनल हो गया हूं, और कि एक इंसान सुबह से धक्के खा रहा है मेरी वजह से। मुझे अपने आप पे ना वो हो रही है एक, कि मुझे सुबह इसको वापस आके क्लिनिक मुझे इसको देख लेना चाहिए था। हालांकि ऐसे कई पेशेंट आते हैं जो लेट आते हैं, तो फिर हम बोलते हैं कि नहीं आप शाम को आके दिखा दो। मुझे लगता है शायद इनके कोई रिश्तेदार आसपास रहते होंगे, या इनका कोई काम होगा। तो बहुत सारे लोग इस वजह से भी आते हैं कि आसपास रिश्तेदार वहां रुक जाते हैं और शाम पर। ये बेचारे सड़कों पे घूम रहे हैं सुबह से, सड़कों पे सुबह से बंदा घूम रहा है, अब जाके ये मुझे मिला है, इन्होंने खाना भी नहीं खाया है। तो भाई एक रिक्वेस्ट है, जो कुछ खिलाऊंगा पिलाऊंगा खा के जाइयो, ठीक है? ठीक है सर। इनका बीपी हाई है, वो मैं मेडिसिन इसको दे देता हूँ। पर मैं सच बताऊं तो ऐसे पेशेंट मुझे, मैं इनको ये मुझे भगवान बोलते हैं ना, मैं इनको भगवान बोलता हूँ। जो सच्चे दिल के भगवान है, ये सच्चे दिल से सच में भगवान कहीं ना कहीं बसते हैं। तो ऐसे ये सीधे लोग हैं, सच बता रहा हूँ मतलब। और सीधे लोगों का लोग फायदा भी उठाते हैं, और सीधे लोग फंस भी जाते हैं बेचारे बड़े नीम हकीमों के चक्कर में, है ना। तो मैं इसीलिए लोगों को अलर्ट करता हूँ कि भाई आपकी जिंदगी आपके हाथ में है, सोच के जाओ, देख के जाओ, डॉक्टर कौन है नहीं है कुछ पता नहीं, लेकिन ये पढ़ा लिखा नहीं है। ये बेचारा मेरे क्लिनिक के सामने खड़े होकर इसको समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा क्लिनिक है ये, क्योंकि इंग्लिश नहीं आती होगी, है ना। चल कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच। और मैं भाई मैं तेरे पैर छूना चाहता हूँ, ये भगवान है मेरे लिए, और मुझे जिंदा रखने वाले भी यही लोग हैं। थैंक यू।